हेलो वेलकम दोस्तों, मेरे इलेक्ट्रिक के चैनल में। तो आज हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हम थ्री फेज़ के फॉल्ट मीटर प्रिपेयर करने वाले हैं। उसमें हम चेक करने वाले हैं कि थ्री फेज़ के मीटर में कौन सा फेज़ नहीं आ रहा है और एमएससीबी से प्रॉब्लम है या फिर हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम है। तो हम इसी पे चेक करने वाले किस फेज़ में कौन सा प्रॉब्लम है, और इसी के साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि उस फेज़ में क्या लोड है और आरसीसी भी क्यों ट्रिप हो रही है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों साइट पे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, अभी ये मैं यहाँ पे मीटर पैनल के पास में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा थ्री फेस मीटर लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक आइसोलेटर है, उसी के साथ में यहाँ पे तीन फेस के एमसीबी है और बीच वाली एमसीबी बंद है। तो इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये देखिए नीचे की आरसीसी भी वो ट्रिप हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सेकंड वाला जो फेज़ है उसमें कुछ फॉल्ट है। जो एमसीबी से ये देखिए अभी एमसीबी ऑफ की है, उसी के साथ में आरसीसी भी ऑन कर चुका हूँ। तो हमारी ऑन हो चुकी है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ऑन होती है। तो हम इसी को रिपेयर करने वाले हैं दोस्तों। तो ये हमारा पहला फेज़ आ चुका है और सेकंड आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों धूप में। तो ये सेकंड वाला फेज़ यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हमें यही पता लगाना है सेकंड वाले फेज़ में एमएससीबी से प्रॉब्लम है या फिर हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन में काम में जो कोई मशीन लगी हुई होंगी वो फेज़ पे, तो वो शॉर्ट है क्या, वही चेक करना है दोस्तों। और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे दोस्तों ये आज। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो में बने रहे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा किस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट चालू लाइन पर किस प्रकार से काम करते हैं। तो आप लोग बने रहे दोस्तों। तो हमने ये डब्बा खुल चुका है, इसी के साथ में हम इसको चेक करने वाले किस प्रकार से इसमें ये वायर कहाँ जाके कनेक्ट होता है, मीटर में होता है या फिर इधर आरसीसीबी में होता है। तो आप लोग गोगो अच्छा ये मिलेगा दोस्तों सीखने के लिए किस प्रकार से हम लोग इस पर ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा सेकंड वाला फेज़ है उसको हम रिपेयर करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो में बने रहे दोस्तों। आप लोगों ने ये ध्यान देना है कि सेकंड वाले फेज़ में जो आरसीसीबी की आउटगोइंग है उसमें दो चार वायर कनेक्ट हुए हैं दोस्तों। तो हम लोग उसी को निकाल के चेक करने वाले हैं किस किस वायर में शॉर्ट हुआ है दोस्तों। तो इसको हम अच्छे से चेक करेंगे, हम विदाउट मीटर के भी कर सकते हैं इसको ये वर्क दोस्तों। मैं अकेला ही करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ दोस्तों। और जो मेरे पीछे में वो यहाँ का मालिक है दोस्तों, वो उसको समझाना पड़ता है कि कैसा हम लोग करते हैं, क्योंकि मेरे जाने के बाद में उसको ये समझते आने को होना दोस्तों कि किस प्रकार से फॉल्ट रिपेयर हुआ है और कैसे इसको चालू करना है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि हम लोग किस प्रकार से किस टेक्निक से इसको रिपेयर करते हैं। हमें सारे वायर को निकालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जिस फेज़ में हमारे सेकंड वाले जो टर्मिनल में जितने फेज़ में जो जो लगे हुए वायर, ये देख सकते हैं आप लोग तीन वायर कनेक्ट थे दोस्तों सेकंड वाले टर्मिनल में आरसीसीबी के आउटगोइंग में। जो हमारा मीटर के पास से जो वायर कनेक्ट होता है वो डायरेक्ट एमसीबी में जाता है और एमसीबी से आउटगोइंग निकल के आरसीसीबी के नीचे वाले टर्मिनल में जाता है और उसके ऊपर वाले टर्मिनल से निकल के हमारे मशीन में जाता है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने तीनों वायर निकाल दिए हमारी एमसीबी भी ऑन हो चुकी है। और देख सकते हैं नीचे से मैं आरसीसीबी को ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग नीचे से मेरी आरसीसीबी भी ऑन हो चुकी है। यानी हमारा सेकंड जो फेज़ है मीटर के पास से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो आरसीसीबी को ऊपर वाले जो टर्मिनल थे दोस्तों, जो फेज़ थे हमारे तीन फेज़, तो ये आउटगोइंग है, ये हमारे शायद मशीन में गए होंगे। तो उसमें से एकाधी मशीन एक तो शॉर्ट हुई होंगी दोस्तों या फिर एकाधा अलग फॉल्ट होगा, अर्थिक के साथ में फेस अटैच हुआ होगा दोस्तों। या तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे तीन फेस है हमारे, तो हम लोग इसको ट्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों आरसीसीबी को। तो हम पहला फेस लगाने वाले दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रेड कलर का है उसको लगा के देख लिया, तो यहाँ पे ट्रिप नहीं हुआ है हमारा आरसीसीबी, न शॉर्ट हुआ है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हमारा फेज़ अच्छा है। अब हम सेकंड वाले वायर को लगा के देखते हैं दोस्तों, ग्रीन वाले वायर को। तो आप लोग देख सकते हैं इससे भी कुछ नहीं हुआ है, ना आरसीसी भी ट्रिप हुए ना वो वायर शॉर्ट हुआ है दोस्तों। तो इसका मतलब हमारा ये भी वायर अच्छा है। तो हम येलो वाले को देखते हैं,
एलो वाले वायर को लगाते ही आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक शॉर्ट हुआ है छोटा सा, और आरसीसी भी तो नहीं ट्रिप हुई है क्योंकि मैंने ज़्यादा देर पकड़ के नहीं रखा था, तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये जल जल गया है दोस्तों हल्का सा। आप लोग देख सकते हैं हेलो वाला वायर हमारा जल गया है हल्का सा, तो इसका मतलब आप लोग देख सकते हैं जो हमारा हेलो वाला वायर है, जो हमारा आरसीसी भी जो हाफ गया है दोस्तों, जिसको हम हाफ बोलते हैं, तो वो हमारा जल चुका है। तो इसका मतलब हमें जो येलो वाला वायर है जो फेज़ हमारा, तो उसको चेक करते हुए जाना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि उससे किस वायर को कनेक्ट करके कौन सी मशीन ऑपरेट की थी उस पर, तो उसको हम चेक करने वाले दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी एमसीबी भी ऑन है और आरसीसीबी भी ऑन है, आप लोग देख सकते हैं इसको किस प्रकार से ये वायर जल जल गया है दोस्तों। तो इसी के साथ में हमने फॉल्ट रिपेयर कर चुका है। तो आप लोग ज़रूर मेरे टेक्निकल वीडियो देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।